बेगूसराय में गुरुवार को वीरपुर प्रखंड के जगदर गांव के निषाद सामुदायिक भवन परिसर में जरूरतमंद कुल 150 छठ व्रतियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता धर्मचंद सहनी द्वारा साड़ी का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जगदर गांव के वार्ड संख्या 1 से वार्ड संख्या 5 तक असहाय गरीब वंचित व जरूरतमंद एवं वृद्ध महिलाओं छठ व्रतियों बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ खुशियों एवं सामाजिक सौहार्द का पर्व है। आज जरूरतमंद माता बहनों के बीच छोटी सी मदद करके मुझे काफी खुशी मिल रही है। समाज के अन्य लोगों को भी जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। हम लोग परस्पर सहयोग से ही समाज के जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशियां बिखेर सकते हैं। मौके पर उप मुखिया राहुल देव, राम पुकार सहनी, सुनीता कुमारी कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष आनंद प्रेम, वार्ड सदस्य राजीव कुमार, श्रवण कुमार, पूर्व वार्ड सदस्य पलटी देवी धर्मराज सहनी, मनीष देवा, प्रिंस कुमार, कृष्ण कुमार सहित कई स्थानीय ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बेगूसराय के वीरपुर से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संदेश यही है कि हमारे समाज में बहुत गरीब है, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है, अगर हम कुछ लोग को कुछ सहायता मदद कर सके तो मेरा सौभाग्य। हाँ, पिछले साल भी हमने साड़ी बांटा है और इस साल भी मैंने। कितने लोगों को? 150 लोगों को, 150। ये मन में विचार कहाँ से है? हम लोग भी गरीबी से जूझे हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हुई। अभी भी मैं गरीबी हूँ, कोई अमीर नहीं हूँ, कमाता हूँ, लेकिन मेरे दिल में है कि किसी को मदद करें और मदद करने से मन में खुशी मिलती है और लोगों को थोड़ा सहायता मिल जाती है।